आपका IBN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 11 जनवरी 2023 कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता ने देवास शहर में पुनर्गणितीकरण योजना में 58,47,00,000 रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का स्थान पर जाकर निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिला अस्पताल परिसर, मुख्यमंत्री रसोई केंद्र, आश्रय स्थल, होमगार्ड, नगर निगम के जोनल ऑफिस के लिए चिन्हित स्थान भगवती सराय, ISBT और नया ट्रांसपोर्ट नगर रसूलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान CMHO डॉक्टर MP शर्मा, देवास विकास प्राधिकरण के अधिकारी श्री बेग, नगर निगम के श्री जगदीश वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। देवास शहर में 39,34,00,000 रुपए की लागत से पुनर्गणितीकरण योजना में निर्माण किया जा रहा है, जिसमें होमगार्ड परिसर में नवीन होमगार्ड भवन, बैरक SDRF भवन, ट्रेनिंग सेंटर, अप्रोच रोड और 2 MR रोड शहर में बनाए जा रहे हैं। नगर निगम की भूमि पर माताजी की टेकरी सीढ़ी मार्ग के सामने भगवती सराय को तोड़कर नए भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें भक्त निवास, 2 बड़े हॉल तथा पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। देवास में 3 अलग-अलग स्थानों पर नगर निगम के जोनल ऑफिस बनाए जा रहे हैं। नगर निगम की भूमि पर बाईपास रोड पर जेल के पास ISBT, जिसमें एक बार में 25 बसें खड़ी होने की व्यवस्था रहेगी और दिन भर में 400 बसें आने की सुविधा रहेगी। बस स्टैंड पर अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही है। बताएं, अभी आप मुख्यमंत्री रसोई में निरीक्षण करने पर निरीक्षण किया, इसके अलावा कुछ जोड़कर निरीक्षण भी किया, क्या देखा आपने? मेनली जो हमारी रीडेंसिफिकेशन स्कीम है, जो 3 प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए हैं साझीदार समिति भोपाल के, उसकी आज मौका निरीक्षण किया गया था। उसमें सबसे पहला जो हमारा होमगार्ड का प्रोजेक्ट है, दूसरा जिला अस्पताल के लिए एक एडवांस्ड OPD बनाने का प्रोजेक्ट है और तीसरा नगर निगम के साथ मिलकर एक नया ISBT बनाने का प्रोजेक्ट है। उन तीनों का निरीक्षण आज किया। सर, क्या देखा गया आपके द्वारा, क्योंकि आपने अंत्योदय योजना का काफ़ी अनियमितता भी देखी? अनियमितता तो कोई नहीं पाई गई, हम देखने गए थे कि किस प्रकार से वहाँ संचालन हो रहा है, क्या रेट्स वहाँ पर लिए जा रहे हैं और वहाँ पर हाइजीनिक है कि नहीं, व्यवस्थाएँ वहाँ पर मोटे तौर पर अच्छी पाई गई। सर, जिस तरह से आप IBTC का बता रहे हैं, उसमें क्या रहेगा खासकर? ये सारी की सारी परियोजनाएँ बेसिकली रीडेंसिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत बनाई जा रही हैं, जिसमें किसी प्राइवेट पार्टी को लाया जाता है, उसमें से कुछ लैंड प्राइवेट पार्टी को CLP के तौर पे दिया जाता है और शेष लैंड पे प्राइवेट पार्टी के द्वारा ही डेवलपमेंट किया जाता है और जो भी नेट प्रीमियम होता है वो शासन को उसमें प्राप्त होता है। तो इस स्कीम के तहत ये 3 प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रही IBN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।